Yes, sir, हेलो। we will get started soon. Just यस wait. यस मैम, एम आई ऑडिबल? Yes. Good afternoon, everyone. Myself Priyanka Shahane. Our today's speaker is Mr. Pramod Nimbore. He is director of Phonix Zone. Also, he is AI developer with 6 years of experience in the same field. He has completed more than 50 projects in artificial intelligence. So you can start with the session. Okay, ma'am, just tell me which class the student have, that is second year or last year? Second year artificial intelligence and data science engineering students. Okay, no problem. Thank you, ma'am. Okay, student, myself Pramod Nimbore from Phonix Zone Technology Private Limited, Pune. Is my screen is visible? No, sir, it is not visible yet. Just a second. Check now. Not yet. Yes, it is visible now. Yes, sir. Okay. Ma'am, you can mute yourself. Okay? Yeah, sure. So, good afternoon, everyone. So, our today's topic is latest trend in information technology domain. Actually, myself Pramod, AI developer and IoT developer. Okay, so hum is session mein purely focus karenge AI ke upar and IoT ke upar. Theek hai, baki sare trends hai industry mein, like cloud hai, image processing hai, data mining hai, lekin hum jyada focus karenge AI ke upar, that is machine learning, data science, deep learning, data mining and IoT. Okay, so I'm audible, right? Yes, you are audible. Okay, so we will begin our session. Just see this small video of 4 minutes. It is a story of Indian engineer. Excuse me, sir. Yes. Sir, actually, video is not visible. Okay, just a second. I think okay. Sharing. Okay, is my screen is visible? Not yet, sir. Okay, we need to share screen one by one. Okay, is the video visible to you? Yes, sir. Okay, it is a story of Indian engineer, typical Indian engineer. So it will hardly of 3 minutes, I think so. So just watch the story.
and we will proceed after. ओके अभी हमने एक वीडियो देखा, तो ये क्या था, एक एवरेज इंजीनियरिंग स्टूडेंट की लाइफ है। तो जैसे ही हम एडमिशन लेते हैं और हमें बताया जाता है कि इंजीनियरिंग एक बार कंप्लीट कर लिया आपने तो आपका काम ख़त्म, आपको डायरेक्टली जॉब मिलने वाला है। ओके लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि क्यों नहीं होता, क्योंकि हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करते हैं, हम प्रैक्टिकल पे फोकस नहीं करते। मैं आपके कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं एवरेज 90% इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो कि इंक्लूडिंग मी आल्सो। जब मैं 2013 में पास आउट हुआ था तो उस टाइम हमारे टाइम भी यही किया था हमने। एक्चुअली हर एक इंजीनियर यही करता है कि एग्ज़ाम के पहले पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही पढ़ाई क्यों करेंगे, एग्ज़ाम देने के लिए, जिसको हम बोलते हैं वन नाइट स्टडी। ओके अदरवाइज उस टाइम हम इजी सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि हम यूज़ करते हैं इजी सॉल्यूशन का, प्रैक्टिकल्स के ऊपर फोकस नहीं करते, इसीलिए एक स्टडी किया गया है कि ओनली 17% इंजीनियरिंग स्टूडेंट आर एम्प्लॉयबल। दैट इज ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं इंजीनियरिंग के जिनको, जो कि जॉब के लायक ही नहीं होते। ओके सो इसी के ऊपर ये पूरा सेशन होगा,
इसमें हम कवर करेंगे कि व्हाट इज द मेन गैप इन बिटवीन एकेडमिक ओरिएंटेशन, म्यूट करना, एकेडमिक ओरिएंटेशन एंड इंडस्ट्री। ऐसे क्या चीज़ें हैं जो एकेडमिक में नहीं सिखाई जाती और इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है और जिसकी वजह से बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलता। ओके, तो ये जो वीडियो देखा हमने इसी के ऊपर, इसके लास्ट में एक क्वेश्चन था, हु इज रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अबाउट 18% इंजीनियर सिर्फ लायबल है जॉब के लिए, तो बाकी जो रिमेनिंग है 80% इंजीनियर, तो इनकी ये सिचुएशन क्यों है ये देखने के लिए पूरा सेशन हमने अरेंज किया है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो टुडे सेशन इज लेटेस्ट ट्रेंड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी में हम कवर करेंगे कि इंडस्ट्री का क्या एक्सपेक्टेशन होता है और एकेडमिक ओरिएंटेशन क्या होता है और इन दोनों के बीच में जो गैप है ये कैसे फील होना चाहिए। कैन यू प्लीज टेल मी माय स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? यस नो, इट इज नॉट विजिबल। आर यू नॉट एबल टू सी द प्रेजेंटेशन? नो। Now? Not it. Now it is visible. Yes, it is visible now. You are able to see the presentation, right? Yeah. Okay. So, this is some introduction of my company. I have started it in 2016. Okay, myself, Pramod. I am AI developer. In that, I am a machine learning developer. Okay. In this session, we are going to see what is AI, artificial intelligence, what is machine learning, what is data science, what is deep learning. Okay, difference in between AI and deep learning and machine learning, everything. Okay, so begin with our session. Okay, so just see the statistical analysis about engineering student. Okay, एक एनालिसिस किया था, एक सर्वे किया था, इसमें ये पाया गया है कि 36% स्टूडेंट आर नॉट लायबल, इनको आईटी में जॉब देने के लिए ये लायबल नहीं है। 12% स्टूडेंट आर लायबल, मतलब 12% स्टूडेंट को प्रोग्रामिंग आती है। प्रोग्रामिंग के भी दो टाइप होते हैं, प्रोग्रामिंग में कंपाइलेबल प्रोग्रामिंग एंड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग। मतलब आपको अगर अभी मैंने एक प्रोग्राम करने को दिया और आपने वो परफेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया तो इस टाइप के सिर्फ 3% स्टूडेंट है और बाकी जो 9% स्टूडेंट है वो एटलीस्ट कंपाइलेबल यानी कि रीडेबल कोड डेवलप कर सकते हैं। ये एक सर्वे है, मैंने बता रहा। और 52% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मोल्डेड है, मतलब रट्टा मार मार के इंजीनियर बने और उसके बाद उन्होंने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका भी नॉलेज कुछ हद तक गेन कर लिया। ओके, इट इज़ अ सर्वे। ओके, तो ये क्या है, नेक्स्ट स्लाइड इज 90% ऑफ इंजीनियर लैक की स्किल। की स्किल मतलब क्या है कि अभी जो आईटी में रिक्वायरमेंट है, जैसे कि नेटवर्क इंजीनियर है, क्लाउड इंजीनियर है, आपको मशीन लर्निंग डेवलपर चाहिए, डेटा साइंस चाहिए, डेटा साइंटिस्ट चाहिए। ओके, तो ये जो की स्किल है आईटी इंडस्ट्री का, इसमें 90% इंडियन स्टूडेंट आर लैकिंग। अभी एक सर्वे है, ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ओनली 9.9% ग्रेजुएट आर राइट अ करेक्ट कोड और कोड विथ थीवी एरर। यही परसेंटेज अगर आप चाइना में देखते हो तो ये है 8.6 एंड यूएस में अगर देखोगे तो इट इज अबाउट 34.1%। दैट इज इन इंडिया ओनली 10% स्टूडेंट आर एबल टू डू अ कोडिंग, ओके, विथ सम एरर, इट्स ओके। और बाकी जो है अगर हम इंडिया की बात करेंगे सिर्फ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 37% स्टूडेंट ग्रेजुएट आर नॉट राइट इवन कंपाइलेबल कोड, मतलब कोड कंपाइल भी नहीं हो सकता उनका जो राइट किया हुआ कोड है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ आईटी इंडस्ट्री की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे हम,
बाकी इग्नोर करते हैं। ये जो बात हो रही है ये सिर्फ आईटी की हो रही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हो रही है, तो इट इज़ अ सर्वे। अभी कोविड की वजह से तो और भी ये सिचुएशन बदतर हो गई है, क्योंकि ऑनलाइन क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या समझ में आ रहा है, कुछ भी किसी का किसी को ये नहीं है। ओके, सो ये है एक न्यूज़पेपर जिसमें कपिल सिब्बल जब लेबर मिनिस्टर थे उस टाइम उन्होंने बताया था ओनली 17% स्टूडेंट और ग्रेजुएट इंजीनियर आर एम्प्लॉयबल। ओके, सो ये स्टडी है, इसके पीछे रीजंस क्या है ये भी हमें देखने हैं, और उस रीजन को ओवरकम कैसे करना है ये भी देखना है हमें। ओके, और लेटेस्ट ट्रेंड मतलब आफ्टर यू आर कम्प्लीटिंग योर डिग्री और ग्रेजुएशन आपको आगे जाके क्या करना चाहिए, किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज अभी बूमिंग है मार्केट में, ये सब हम देखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट इज एकेडमिक ओरिएंटेशन। ये क्यों होता है, अभी जो सर्वे हमने देखे इससे पहले कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, 90% 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जॉब भी नहीं मिल सकता, और मिल भी गया तो 8-10 हज़ार में उनको सेटिस्फैक्शन मतलब सेटिस्फाई कर होना पड़ेगा। ओके, एक्चुअली जो एक्सपेक्टेशन होती है हमारी इंजीनियर की मतलब इंडियन इंजीनियर की वो क्या होती है, जैसे हम पास आउट हो जाएंगे 50-60,000 पर मंथ की सैलरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ऑलमोस्ट। अभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमने देखा है कि वो तो लायबल ही नहीं होते, जो भी होते हैं वो क्या करते हैं इधर उधर का 10-15 हज़ार का जॉब करते हैं, लेकिन इट्स ओके। ओके, तो इसके पीछे क्या है, एकेडमिक ओरिएंटेशन। एकेडमिक ओरिएंटेशन में क्या आता है कि अटेंडेंस कंपलसरी है, थेरी करो सिर्फ थेरी का, या फिर उसके बाद होता है मार्क्स ओरिएंटेशन जिसमें सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस किया जाता है, मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। और वहाँ पे एक चीज़ होती है विच इज़ लैकिंग इन एवरी इंडियन इंजीनियर, जो कि है प्रैक्टिकल नॉलेज। एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट को मिलता नहीं है। ओके, सो फर्स्ट इज एकेडमिक ओरिएंटेशन रीजन बिहाइंड बीइंग अनएम्प्लॉयबल इंजीनियर। सेकेंड इज कीपिंग ओनली मार्क्स इंटेंशन बट नॉट नॉलेज, जिसको मैंने कीवर्ड दिया है मार्क्सवादी। इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ फोकस करते हैं मार्क्स के ऊपर, एग्जाम को पास कैसे करना है, 40 मार्क्स कैसे मिलने चाहिए। तो 40 मार्क्स मिलने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, वन नाइट स्टडी, ओके, इजी नोट्स, ये सब देखा जाता है हर एक इंजीनियर्स में। एग्जाम के पहले रात को स्टडी करो, जिससे मार्क्स तो मिल जाएंगे आपको लेकिन नॉलेज नहीं मिलेगा। ये सेकेंड मेजर रीज़न है अनएम्प्लॉयबिलिटी के पीछे। थर्ड इज अप्रोच टू सेटिस्फाई द इंस्टीट्यूट बट नॉट द कंपनी। थर्ड मेजर रीज़न क्या है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट को सेटिस्फाई किया जाता है कि स्टूडेंट कितने प्रेजेंट हैं, कितने स्टूडेंट लेक्चर्स कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एक्चुअल कंपनी को क्या चाहिए, आईटी इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा कम फोकस किया जाता है। ये एक थर्ड रीज़न है। फोर्थ वन इज अनअवेयर अबाउट कंपनी प्रोडक्ट सर्विसेज डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो अब, और आपने ये सेशन अरेंज किया है, इसी टाइप के अगर आप सेशन अरेंज करते जाओगे तो इससे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट 50% नॉलेज मिलेगा कि इंडस्ट्री को क्या एक्सपेक्टेड है। इंडस्ट्री को मार्क्स एक्सपेक्टेड नहीं है, मार्क्स इज ओनली जस्ट अ क्राइटेरिया टू गेट एंट्री, उसके बाद आपको खुद का नॉलेज ही दिखाना है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद अभी 2 साल बचे हैं आपके पास, तो आप क्या करोगे कि जस्ट मार्क्सवादी नहीं बनना, आपको सिर्फ मार्क के पीछे नहीं भागना है, आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो कि अभी कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा डिमांड में है, कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए आपको। ओके, इस सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। सो इट इज़ अ फोर्थ पॉइंट बिहाइंड अनएम्प्लॉयबिलिटी, जो कि है कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के सर्विसेज के बारे में, कंपनी का डिमांड क्या है, ये हमें इंडियन इंजीनियर को ज़्यादातर पता नहीं होता। ओके, एंड लास्ट वन इज अनअवेयर अबाउट चेंजिंग टेक्नोलॉजी। तो ये एक चीज़ है कि अभी चेंजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट को पता ही नहीं होता, जैसे कि अभी जावा करेंगे तो सभी जावा के पीछे ही भागेंगे। ओके, लेकिन अभी क्या चल रहा है मार्केट में ये भी देखना पड़ेगा। अभी आप में से कोई होगा अगर जिसको फ्लटर पता है,
जिसको पाइथन के बारे में पता है, एआई के बारे में पता है, ओके, इट इज़ अ वेल थिंग। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में कौन सी टेक्नोलॉजी अभी एक्सपेक्टेड है, कौन से टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें काम करना चाहिए। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स जिसके वजह से इंडियन इंजीनियर को जॉब नहीं मिलता, ओके। सो हम इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। लास्ट वन इज अनअवेयर अबाउट मार्केट कंडीशन, ये ऊपर आता है कि चेंजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता आपके पास, ओके। सो एंड नाउ नेक्स्ट इज कुछ रूमर्स होते हैं या फिर मिथ्स होते हैं। मिथ्स मतलब क्या कि ग्लोबल से रिसेशन चल रहा है, अभी एक मिथ्स होगा कि कोविड की वजह से जॉब नहीं मिल रहे, कोविड की वजह से बहुत सारी कंपनी बंद हो रही है, ओके, अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, ऐसे दीज आर सम फोबियाज और रूमर्स, ओके। ये रूमर्स अभी मार्केट में फैलना चालू हो गया है कि इस कंपनी ने 1,00,000 एम्प्लॉय निकाल दिए, इस कंपनी ने 2,00,000 एम्प्लॉय निकाल दिए, इस कंपनी ने 50,000 एम्प्लॉय निकाल दिए। तो ये मिथ्स है या फिर एक रूमर्स है, ओके। इट इज़ अ ग्लोबल रिसेशन जो कि आपके करो आफ्टर कोविड ये ज़्यादा हो सकता है रूमर्स कि ग्लोबल रिसेशन आएगा आफ्टर कोविड। सेकेंड वन इज कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन में क्या है कि हर कोई जा रहा है इंजीनियरिंग कर रहा है, हर कोई जा रहा है इंजीनियरिंग कर रहा है, इसलिए कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और इसलिए मुझे जॉब नहीं मिला। दीज आर द रीजन्स नॉट गेटिंग एम्प्लॉयबिलिटी। आपको अगर जॉब नहीं मिलता तो आप ये रीज़न बता सकते हो, क्या बता सकते हैं, बताते हैं स्टूडेंट ग्लोबल रिसेशन चल रहा है इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, कॉम्पिटिशन इतना है कि मुझे कैसे जॉब मिलेगा, इतनी कम सीट होती है अवेलेबल और इतने सारे रिज्यूम्स आते हैं, इतने सारे एप्लीकेशन आते हैं। नेक्स्ट रीज़न इज नो एक्सपीरियंस, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फ्रेशर हूँ इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, एक रीज़न होता है, ओके। सो उसके बाद आता है रूरल बैकग्राउंड। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो विच आर बिलोंग टू रूरल बैकग्राउंड, और रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट में एक फोबिया होता है कि मुझे इंग्लिश आता नहीं है, ओके। अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है, ये करना है, तो आपको वर्केबल इंग्लिश भी आती है तो इट्स ओके, आप मेरी बात ले सकते हो, मुझे भी इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती फिर भी मैं डेवलपर बन गया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको डेवलपमेंट करने के लिए इंजीनियरिंग इंग्लिश आनी चाहिए, आपके पास स्टेज डेयरिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, ओके। दीज आर सम फोबियाज, कुछ स्टूडेंट के मन में होता है कि मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ इसलिए मैं प्लेसमेंट नहीं ले पाया, ओके। सो स्पेशल स्किल्स में क्या आता है कि ये टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, कोर्स किया है, एक फोबिया है कि अगर ये स्पेशल स्किल होता है आपके पास तभी आपको जॉब मिलेगा, अगर आप रूरल बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते तभी आपको जॉब मिलेगा, एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हो, कॉम्पिटिशन कम होना चाहिए। दिस ऑल आर रूमर्स एंड फोबियाज इन स्टूडेंट माइंड्स, ओके। सो एक नीचे एक अरिथमेटिक दिया है, आप इसमें बता दो मुझे क्या दिख रहा है आपको, कोई भी एक अनम्यूट करके बता सकता है, ओके। सो यहाँ पे एक क्या है 5 अरिथमेटिक इक्वेशंस दिए हैं, तो आपको इसमें क्या दिखाई देता है बताओ। मुझे आवाज नहीं आ रही। यस, फोर्थ इक्वेशन इज रॉन्ग, राइट? या एम आई राइट? ओके, तो आप लोगों ने देखा कि फोर्थ इक्वेशन राइट है, तो ये इक्वेशन मैंने इसीलिए दिए थे कि आप क्या करते, सॉरी फोर्थ इक्वेशन इज रॉन्ग, ओके। तो ये इक्वेशन इसीलिए दिए थे कि आपका आपके पास जो स्किल है इसके ऊपर आपका फोकस नहीं होता है, मतलब आपके पास इक्वेशन 1, 2, 3, 5 ये करेक्ट इक्वेशंस थे, लेकिन आपका फोकस कहाँ पे गया, जो कि रॉन्ग इक्वेशन है, जो कि आपके पास मतलब इट इज़ योर वीकनेस। तो आप क्या करते हो, वीकनेस पे फोकस करते हो। आपको क्या करना चाहिए कि मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर किसी की स्ट्रेंथ मार्केटिंग में है, किसी की स्ट्रेंथ प्रोग्रामिंग में है, तो उसी में आप करियर करना चाहिए, ओके। तो ये इक्वेशन इसीलिए थे कि आपको फोकस करना है आपके स्ट्रेंथ पे, ना कि वीकनेस पे। यहाँ पे
अदर फोर इक्वेशंस आर राइट, लेकिन आपका ध्यान गया फोर्थ नंबर के इक्वेशंस पे जो कि रॉन्ग है, तो ये नहीं होना चाहिए आपको। आपने ये बताना चाहिए था कि चार इक्वेशंस करेक्ट है लेकिन एक इक्वेशन रॉन्ग है। ओके, सो इसमें से मुझे इतना ही बताना है कि आपके जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फोकस करोगे तो आगे बढ़ पाओगे। ओके, सो और एक रूमर्स है कि रूरल बैकग्राउंड वाले ऐसे बाहर फेंके जाते हैं, रिसेशन आ गया, ओनली 36% स्टूडेंट रहते हैं जो कि प्रैक्टिस करते हैं और कंपटीशन में पास हो जाते हैं। ओके, सो और एक बहुत ही बड़ा मिथ है, आपको जब पास आउट हो जाओगे इंजीनियरिंग कर जाओगे तभी आपको ये पता चलेगा। क्या होता है, आई कांट गेट अ जॉब बिकॉज आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, और आई डोंट हैव एक्सपीरियंस बिकॉज आई कांट गेट अ जॉब। मतलब ये सर्कल कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आपको जॉब मिलेगा, और जब भी आपको जॉब मिलेगा तभी एक्सपीरियंस आएगा। ओके, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको बिना जॉब मिले ही एक्सपीरियंस आ गया। ओके, लेकिन इस सर्कल को अगर ब्रेक करना है आपको तो आपके पास एक सोल्यूशन है जो मैं आगे की स्लाइड में बताने वाला हूँ। ये जो विस्कस सर्कल है इसको हमें ब्रेक करना होगा कहीं ना कहीं, तब जाके हम इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज यही चलता रहेगा कि मेरे पास जॉब नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस वाला बंदे ही हायर होते हैं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मेरे पास जॉब ही नहीं है। तो ये सर्कल हमें ब्रेक करना चाहिए, और इसको ब्रेक करने के लिए मैं कुछ रूल्स बता दूंगा आगे आगे की स्लाइड में, और इससे क्या होगा आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। ओके, सो हम देखेंगे आगे जाके क्या करना चाहिए इस सर्कल को ब्रेक करने के लिए। तो ये सर्कल अगर ब्रेक हो गया तो आपकी एंट्री फिक्स है आईटी इंडस्ट्री में, नो इश्यू। ओके, सो ये भी है कि स्टूडेंट जॉब क्यों नहीं मिलता किसी को, अपने सीन देखा होगा थ्री इडियट्स मूवी में, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, जो कि अगर आपने देखी होगी थ्री इडियट्स मूवी तो इसमें है ये। ओके, जब भी लड़का पैदा होता है उसी टाइम हम डिसाइड करते हैं कि इसको इंजीनियर करेंगे, तो ये क्या होता है, चार साल ये रट्टा मार मार के इंजीनियर हो जाता है और फिर इसको जॉब नहीं मिलती। तो ये भी नहीं होना चाहिए, आपको आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि मुझे इंजीनियर बनना है, तभी जाके एडमिशन ले लो आप। ओके, अभी इस आपके इसमें भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको इंजीनियरिंग में नहीं आना था लेकिन घर वालों के फोर्स की वजह से आ गए, तो अगर ऐसा है तो अभी से फोकस आपका डाइवर्ट करो, अभी आ तो गया हो लेकिन पूरा फोकस होना चाहिए आईटी इंडस्ट्री पे। ओके, सो तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि तो क्या करना चाहिए, तो कैसे करें, ये सब चीज़ें तो हमें पता है कि जॉब नहीं है इसलिए एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए जॉब नहीं है, रिसेशन है मार्केट में, टेक्नोलॉजी कौन सी है पता नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो सेशन है ये इसी के लिए है कि हम क्या कर सकते हैं जॉब पाने के लिए, आईटी इंडस्ट्री में जाने के लिए, कौन से ट्रेंड है अभी आईटी इंडस्ट्री में बूमिंग, ये सब हम देखेंगे आगे। सो फाइंडिंग क्या है, अभी तक जो हमने देखा कि जॉब नहीं है, रिसेशन है, जॉब नहीं मिलता बहुत सारे स्टूडेंट को, तो ये एक कंक्लूजन ये है कि देर इज़ अ मैसिव डिस्कनेक्ट बिटवीन व्हाट इज टॉट इन द कॉलेजेस एंड व्हाट द इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड। ओके, अभी मेरी कंपनी भी 5-6 साल पुरानी है। ओके, जब भी मेरे पास स्टूडेंट आते हैं इंटरव्यू के लिए तो मैं क्या करता हूँ, इनका मार्क स्किल नहीं देखता, मैं मार्क कोई मायने नहीं रखता। अगर आप कुछ प्रोग्राम करने को दिया जाता है और आप वो कर सकते हो तो डायरेक्टली मैं हायर कर लेता हूँ। तो अभी देखो, आपको नॉलेज मतलब इंग्लिश अच्छी नहीं है तो भी चलेगा, आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो भी चलेगा, एकेडमिक अच्छा नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए जो कि आपको आईटी इंडस्ट्री में एंट्री दिलवा सकता है। ओके, इसीलिए अभी से आज से ही फोकस करना पड़ेगा कि छोटे छोटे प्रोग्राम बना लो, कुछ जहाँ से मिले नॉलेज एक्वायर करने की ट्राई करो। ओके, सो दिस इज द फाइंडिंग कि क्यों जॉब नहीं लगता, क्योंकि देर इज अ ह्यूज गैप इन बिटवीन एकेडमिक ओरिएंटेशन एंड इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन। सो ये हमें ओवरकम करना है। तो कैसे कर सकते हैं, सोल्यूशन फॉर दिस सिचुएशन इज, फर्स्ट वन इज अ प्रैक्टिकल्स, जितने भी प्रैक्टिकल्स है
इसमें आपको 100% दे के आपको पार्टिसिपेट करना हो, सिर्फ आपको रट्टा नहीं मारना, सिर्फ आपको असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करना, सिर्फ इसका देखो उसका देखो ये करके प्रैक्टिकल्स कंप्लीट नहीं करने, आपको प्रैक्टिकल्स में 100% आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जो भी प्रैक्टिकल्स है आपके, ओके सब्जेक्ट के। तो फर्स्ट इज प्रैक्टिकल्स पे फोकस करो, सेकेंड इज इंटरनेट का यूज करो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है फ्रीली, तो वहाँ पे वहाँ से एवरी टेक्नोलॉजी के वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहाँ से आप सीख सकते हो। थर्ड वन इज ऑनलाइन कोर्सेज, आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन लाइक उडेमी, लाइक जितने भी अभी देखो 200-200 रुपए में आपको कोर्सेज मिल रहे हैं पाइथन के, जावा के, सी के, एम्बेडेड के, जिसके भी आप कोर्सेज करना चाहते हो, तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, नॉलेज एक्वायर करना चाहिए, जो गैप है इंडस्ट्री और एकेडमिक के बीच में, इस गैप को अगर कम करना है तो आपको प्रैक्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल्स पे ध्यान दोगे इंस्टेड ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। सेकेंड है इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो अच्छी चीज़ों के लिए, इंटरनेट का यूज़ फेसबुक के लिए, इंस्टा के लिए कम करो, और इसका यूज ज़्यादा करो प्रोग्रामिंग नॉलेज बढ़ाने के लिए। थर्ड वन इज ऑनलाइन कोर्सेस, आप ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, जब आप फाइनल ईयर में जाओगे तो आपको एकेडमिक प्रोजेक्ट होता है, ब्रिज होता है इन बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिक्स। देखो एकेडमिक्स में क्या होता है, पूरा थियोरेटिकल के ऊपर फोकस किया जाता है, और इंडस्ट्री में पूरा प्रैक्टिकल्स के ऊपर फोकस किया जाता है, ओके। सो ये जो गैप है, ये गैप फिल करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके पास एकेडमिक प्रोजेक्ट। तो एकेडमिक प्रोजेक्ट पे आप जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतनी आपकी इंडस्ट्री में एंट्री इजी हो जाएगी। एंड लास्ट वन इज नंबर ऑफ मिनी प्रोजेक्ट्स, तो जितने भी मिनी प्रोजेक्ट्स है आपको, जिसको हम क्या बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोजेक्ट होते हैं, ओके, तो इसको भी आपको पूरे ध्यान दे के करना है, तभी जाके आप ये कर सकते हो इंडस्ट्री में एंट्री। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड हियर, जो कि है इंटर्नशिप। जब भी आपको टाइम मिलेगा, एक महीना दो महीने का जो छुट्टी होता है हमारा, वैकेशन होता है, उसमें आप ट्राई करो कि किसी ना किसी स्मॉल स्केल कंपनी में या फिर कहीं पे भी आप ट्राई करोगे कि इंटर्नशिप मिल जाए आपको। इंटर्नशिप जब मिलेगी आपको, एक महीने की, दो महीने की, तीन महीने की, तो उस टाइम आपको समझ में आएगा कि हाउ इंडस्ट्री वर्क्स, इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट कैसे किए जाते हैं। अगर हो सके, अगर नहीं मिल रही आपको फ्री इंडस्ट्री मतलब पेड इंटर्नशिप, तो आप फ्री के लिए ट्राई करो, ओके। तो इंटर्नशिप अगर करोगे तो इंडस्ट्री में एक्चुअल वर्क कैसे होता है ये आपको पहले से ही मालूम होगा, तब जाके आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए इजी जाएगा, ओके। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 पॉइंट आई फॉरगॉट टू ऐड हियर, दैट इज इंटर्नशिप। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको टाइम मिलेगा, एक महीने का, दो महीने का, तीन महीने का, जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है, उस टाइम को आप यूटिलाइज करो इंटर्नशिप में, ओके। इसके लिए शायद आपको कॉलेज परमिशन भी देता है कि अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो कॉलेज में भी आपको हो सकता है, वहाँ पे आपको परमिशन मिल जाएगी, लेक्चर नहीं किया तो भी चल सकता है, आई डोंट नो एक्चुअली, लेकिन आप इंटर्नशिप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करोगे। तो ये जो 6 चीज़ें देखी हमने, इट इज़ सोल्यूशन। जो ऊपर हमने एक विस्कस सर्कल देखा था, इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास ये 6 पॉइंट है, जिसका यूज़ करके हम वो जो ऊपर हमने जो सर्कल देखा था विस्कस, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप इंटर्नशिप करोगे तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है, पेमेंट नहीं मिलेगा, अलग चीज़ है, लेकिन एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा, आपके रिज्यूम में आप ऐड कर सकते हो, ओके। सो इन सारी चीज़ों पे आप फोकस करोगे तो इट विल बेटर फॉर यू। सॉरी, सो नेक्स्ट टॉपिक इज जो हमारा मेन टॉपिक है, अभी तक हमने देखा कि जॉब नहीं मिल रहे, जॉब मिलने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना चाहिए। अभी तो मैंने बता दिया कि आप स्टडी करो, इंटरनेट का यूज़ करो, लेकिन इंटरनेट का यूज़ करने के बाद भी किस डोमेन में हमें करियर करना चाहिए, किस डोमेन में हमें सैलरी अच्छी मिल सकती है, किस डोमेन को ज़्यादा स्कोप है अगले 10 साल में, अगले 5 साल में, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए, पाइथन करनी चाहिए, एंड्रॉयड करनी चाहिए, PHP करनी चाहिए, लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर,
लेकिन आपको किसके ऊपर फोकस करना है, या फिर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सब हम आगे देखेंगे. सो डोमेन जो है कंप्यूटर साइंस में, फर्स्ट इज डेटा माइनिंग, सेकेंड इज मशीन लर्निंग, थर्ड वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोर्थ वन क्लाउड कंप्यूटिंग, एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT. तो अभी मैंने इतने ही डोमेन्स ऐड किए हैं क्योंकि मुझे इन्हीं डोमेन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है. इसके बाद और भी डोमेन्स हैं प्रोसेसिंग वगैरह करके, लेकिन मैं अभी के ऊपर ही डिस्कस किया. फर्स्ट वन डेटा मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल क्लाउड कंप्यूटिंग, एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT. सो हम वन बाय वन देखेंगे कि किस डोमेन में क्या वर्किंग होता है एक्चुअल. और आपको जिस भी डोमेन में इंटरेस्ट आ जाए, क्या होता है कि मुझे नहीं टेक्स्ट माइनिंग के ऊपर काम करना है, मुझे इंटरेस्ट है उसमें, तो आप उसमें जा सकते हो. किसी को लगता होगा कि मैं इमेज डेटा पे काम करूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, तो आप उसमें जा सकते हो. किसी को लगता है अभी देखो टेस्ला की ड्राइवरलेस कार आ गई है, तो उसमें जाना है, तो आप उसी में भी एंट्री कर सकते हो. तो इट्स डिपेंड ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. तो जिस एरिया में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा उसके बारे में सर्च करना आप स्टार्ट करोगे. सो वी विल सी वन बाय वन. फर्स्ट वन इज डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग में दो टाइप के टास्क असाइन हो जाते हैं डेवलपर को. फर्स्ट वन इज प्रेडिक्टिव टास्क एंड सेकेंड वन इज डिस्क्रिप्टिव टास्क. तो प्रेडिक्टिव टास्क में क्या होता है डेटा माइनिंग के, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन. ओके, अगर आप एग्जांपल लोगे डेटा माइनिंग का, तो डेटा माइनिंग जैसे कि हम फेसबुक पे या फिर किसी न्यूज चैनल का हमें डेटा दिया जाता है, न्यूज़पेपर का न्यूज चैनल का डेटा दिया जाता है, या फिर यूजर की जो फेसबुक होता है उस फेसबुक पेज पे मान लो आपका इलेक्शन कैंपेनिंग चल रहा है, तो आपको पूछा जाता है कि इस अभी जो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा आगे जाके, या फिर कौन सी पार्टी ज़्यादा वोटों से जीत जाएगी, तो उसके नीचे हम क्या करते हैं कमेंट करते हैं. उस वो जो कमेंट का डेटा मिलता है उसके ऊपर हम डेटा माइनिंग करके, डेटा एनालिसिस करके, NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करके, स्टॉप वर्ड वगैरह रिमूव करके, पंचुएशन मार्क रिमूव करके, हम क्या कर सकते हैं उस डेटा को क्लासीफाई करने के. ओके, तो क्लासीफाई करने से हमें पता चल सकता है. अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, जो अमेजोन पे हम रिव्यू देते हैं, फ्लिपकार्ट पे जो रिव्यू देते हैं प्रोडक्ट के, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि कितने बैड रिव्यू है, कितने अच्छे रिव्यू है. ओके, सेकेंड वन इज अ रिग्रेशन मॉडल. रिग्रेशन मॉडल कहाँ पे यूज होता है, किसी कंपनी के शेयर अगर डाउन जा रहे तो उस कंपनी के बारे में मार्केट में क्या सीनरी हो या क्या डिस्कशन चल रहा है, इसके ऊपर से हम रिग्रेशन मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं. देन टाइम सीरीज एनालिसिस है, कौन से टाइम में ज़्यादा सेलिंग होती है, कौन से मंथ में ज़्यादा सेलिंग होती है, ये भी हम एनालिसिस कर सकते हैं डेटा माइनिंग का यूज़ करके. एंड लास्ट वन इज प्रेडिक्शन. तो जो दो टाइप है डेटा माइनिंग के, फर्स्ट वन इज प्रेडिक्टिव टास्क एंड सेकेंड वन इज डिस्क्रिप्टिव टास्क. डेटा माइनिंग में आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, जिसमें कमेंट हो सकती है, ट्वीट्स हो सकते हैं, न्यूज़ हो सकती है, और उस डेटा को आपको क्या करना है, समराइजेशन करना है, इसको क्लासीफाई करना है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना है, सीक्वेंस डिस्कवरी करना है इसका, या फिर क्लस्टरिंग करना है. ये सब चीज़ें आप डेटा माइनिंग, अगर आप डेटा माइनिंग डेवलपर बनते हो तो ये कर सकते हो. तो इसमें आपको लैंग्वेज जरूरत पड़ेगी पाइथन और जावा, दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, मैटलिब में भी आप कर सकते हो. ओके, सो ये है डेटा माइनिंग. नेक्स्ट वन इज अ डेटा साइंटिस्ट. कन्फ्यूज मत होना, डेटा साइंटिस्ट इज अलग एक अदर टास्क है और डेटा माइनिंग अलग है. डेटा साइंटिस्ट ये समराइजेशन या फिर कलेक्शन है. डेटा साइंटिस्ट अगर बनना है आपको, तो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको स्टैटिस्टिक भी आना चाहिए, जिसमें फेल्स पॉजिटिव, फेल्स निगेटिव, रिकॉल, प्रिसीजन, एफ मेजर, ये सारी चीज़ें आती हैं. आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल नॉलेज भी होना चाहिए डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए. देखो डेटा माइनिंग अलग है, साइंटिस्ट अलग है. तो अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको स्टैटिस्टिक आना चाहिए, यानी कि आपका मैथ अच्छा होना चाहिए. दूसरी चीज़ आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज भी होना चाहिए. थर्ड वन आपको विजुअलाइजेशन आना चाहिए, यानी कि ग्राफिक
स्केल एनालिसिस जो होता है, बार चार्ट, गंट चार्ट, पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. ओके, उसके लिए अलग अलग टूल्स होते हैं विजुअलाइजेशन के लिए. अगर आप पाइथन करते हो तो पाइथन में मैटप्लॉटलिब करके एक लाइब्रेरी है, सीबिन करके है, ये सारी लाइब्रेरी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा कर सकते हैं. नेक्स्ट है बिजनेस एंड डोमेन नॉलेज. अगर आपको डेटा साइंट बनना है, डेटा साइंटिस्ट, तो आपको बिजनेस एंड डोमेन नॉलेज भी होना चाहिए. अगर आपको डेटा साइंटिस्ट इन मेडिकल फील्ड बनना है, तो आपको मेडिकल फील्ड के बारे में पता होना चाहिए कि डिसीज क्या होता है, डिसीज के लिए कौन से पैरामीटर होते हैं. अगर आपको फाइनेंस डोमेन में जाना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है फाइनेंस डोमेन में, तो आपको क्या टास्क दी जा सकती है कि मुझे इसका एनालिसिस करके दो कि इतने एक पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल स्टार हेल्थ की पॉलिसी है, तो इसमें आपको प्रेडिक्ट करके देना है कि कितने ये हो सकता है, रॉन्ग पॉलिसी निकाली जा सकती है, कितने लैप्स हो सकते हैं, ये सब आपको आना चाहिए. अगर आप फाइनेंस डोमेन में जाते हो तो आपको ये पॉलिसीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए. आप अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हो तो मेडिकल टर्म्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए. इसको कहते हैं डोमेन नॉलेज. अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो ये इन सारी चीज़ों को मिला के डेटा साइंटिस्ट बनता है. उसके बाद आता है बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग. तो आपके जो प्रोडक्ट हो गए वो क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड पे अपलोड किए जाएंगे अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनते हो तो. उसके बाद है कम्युनिकेशन स्टोरेज टेलिंग. कम्युनिकेशन का यूज़ कहाँ पे होता है, जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है, मान लो आप एक जूनियर डेवलपर हो तो आपको ये प्रेजेंटेशन देना होता है सीनियर डेवलपर को. अगर आप सीनियर डेवलपर हो तो आपको ये प्रेजेंटेशन देना होता है टीम लीड को, और टीम लीड अगर हो आप तो आपको प्रेजेंटेशन देना होता है डायरेक्टर को. ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. क्या क्या आती है इसमें, आपको स्टैटिस्टिक का नॉलेज होना चाहिए बेसिक. उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए, पाइथन, जावा, जो भी है. उसके बाद आपको डेटा विजुअलाइजेशन टूल हैंडल करने आने चाहिए, जैसे कि टैबल्यू है, सैस है, अदरवाइज मैटप्लॉटलिब है. इन सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए. देन डोमेन नॉलेज भी होना चाहिए, क्लाउड के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, एंड कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग. बिकॉज आपका जो सीनियर है उसको डायरेक्टली क्या चाहिए, ग्राफिकल विजुअलाइजेशन चाहिए, डायरेक्टली उसको एनालिसिस किया हुआ चाहिए. तो आपको उसको एक्सप्लेन भी करने को आना चाहिए कि ये कैसे डेटा लिया, कैसे इसके ऊपर प्रोसेस किया और कैसे ये वर्क कर रहा है. तो ये डेटा साइंस. अगर डेटा साइंटिस्ट आप बनोगे तो मिनिमम अगर आपके पास थ्री या फोर ईयर का एक्सपीरियंस है, अगर इंडियन सैलरी हम कंसिडर करेंगे तो मिनिमम 20 लाख पर एनम, मतलब 20 लाख के ऊपर ही आपकी सैलरी होगी अगर आपके पास 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनते हो. ओके, डेटा साइंटिस्ट के अगर 1 साल का भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 6 लाख पर एनम के आगे ही होगी. तो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए अच्छा स्कोप है, लेकिन आपके पास इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए. तो बेसिक जो है, एटलीस्ट आपको स्टैटिस्टिक आना चाहिए बेसिक, एंड प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए. बाकी चीज़ें तो हम साइड बाय साइड कवर कर सकते हैं. ओके, सो इट इज़ अबाउट डेटा साइंस. ये सेकेंड आईटी इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग जॉब है. थर्ड वन इज अ मशीन लर्निंग. तो मशीन लर्निंग क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी मशीन है, जैसे कि आपका लैपटॉप है, ऑर्डिनरी मशीन को आप जो टास्क बताओगे वही वो करेगा. लेकिन अगर आप मशीन को थोड़ा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस ऐड करोगे तो ये मशीन क्या कर सकती है आपके लिए, कुछ प्रेडिक्ट कर सकती है, कुछ लर्न कर सकती है, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती है. ये एक पार्ट है मशीन लर्निंग का. जिस मशीन लर्निंग में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट अल्गोरिदम यूज करके, जैसे कि आपके पास क्लस्टरिंग अल्गोरिदम है, जैसे आपके पास रिग्रेशन मॉडल है, डिसीजन ट्री है, क्लासिफिकेशन है, इन सारी अल्गोरिदम्स का यूज करके, मशीन लर्निंग अल्गोरिदम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डिनरी मशीन को इंटेलिजेंस असाइन कर सकते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो ह्यूमन का जो पावर है, इंटेलिजेंस का जो पावर है, ये हम मशीन को अप्लाई करेंगे और मशीन क्या कर सकती है हमारे लिए, पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकती है, प्रेडिक्शन कर सकती है, कुछ इम्प्रूवमेंट दे सकती है, खुद लर्न कर सकती है. ये सारी चीज़ें हम मशीन लर्निंग में दे सकते हैं. अब मशीन लर्निंग के लिए आपके पास जो डेटा आएगा, दैट माइट बी आपका टेक्स्ट टेक्सचुअल डेटा होगा, वॉइस डेटा होगा,
या फिर आपका वीडियो डेटा होगा, इमेजेस डेटा होगा, जो भी डेटा है आपका, जिस भी फॉर्मेट में डेटा है वो आपको मशीन को देना है, मशीन को ट्रेन करना है. वंस मशीन गेट ट्रेन इट विल डू व्हाट एवर फॉर यू. एक बार आपने मशीन को ट्रेन किया तो उसके बाद आपके लिए मशीन काम करना स्टार्ट कर देगी. तो मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग वर्ड में ही मीनिंग है कि मशीन खुद स्टार्ट करेगी लर्निंग. ओके, तो मशीन लर्निंग डेवलपर अगर बनते हो आप या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर अगर बनते हो तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है राइट अ प्रोग्राम एंड डेवलप अल्गोरिदम टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. तो डेटा मैंने जैसे बता दिया आपको कि किसी भी डेटा के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा. डेटा माइट बी योर वीडियो, डेटा माइट बी योर इमेजेस, माइट बी टेक्सचुअल डेटा, न्यूमेरिक डेटा. जैसे कि अभी कोविड प्रेडिक्शन है, कोविड प्रेडिक्शन का अगर मैंने टास्क दे दिया आपको कि मुझे बता दो कि 2023 में कोविड कितने परसेंट कम होगा या ज़्यादा होगा, आप रिग्रेशन मतलब प्रेडिक्ट करके बता दो कोविड के कितने केसेस हो सकते हैं नेक्स्ट मंथ में. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथन में एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जिसमें आप डिफरेंट अल्गोरिदम यूज़ कर सकते हो, SVM, न्यूवाइज, डिसीजन ट्री, उसका यूज़ करके आप एक रिग्रेशन मॉडल बनाओगे और आपके सीनियर को बता दोगे कि इतनी केसेस हो सकती है, ये चांसेस है. आपको अगर रियल टाइम एग्जाम्पल बता दूँ इसका मशीन लर्निंग का, तो ये एग्जाम्पल है जब आपका बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो लोन आपका पास होगा या रिजेक्ट होगा, ये हम मशीन लर्निंग के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं डिसीजन ट्री का यूज़ करके. डिपेंड करता है पैरामीटर क्या रहेंगे, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, सैलरी कितनी है, नंबर ऑफ डिपेंडेंस कितने हैं, आपकी एज क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, ये सारे फैक्टर्स हम इनपुट देंगे सिस्टम को और सिस्टम ट्रेन करेंगे. उसके बाद जब भी हम किसी न्यू अगर कोई रिक्वेस्ट आती है हमारे पास लोन के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पैरामीटर देंगे और सिस्टम हमें बता देगा कि इसमें लोन कोलैप्स होने के या लैप्स होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, तो हम डिसाइड कर सकते हैं लोन देना या नहीं देना. उसके बाद और एक एग्जांपल है LIC ऑफ इंडिया. जो LIC ऑफ इंडिया है ये जब प्रीमियम डिसाइड करती है कि एज ग्रुप इतना है तो इतना प्रीमियम, एज ग्रुप इतना है तो इतना प्रीमियम, ये किस बेसिस पे डिसाइड करती है, तो इसके लिए भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई किया है उन्होंने कि डेथ रेट कितना हो सकता है, कि मान लो 20 to 30 ये जो एज ग्रुप है इसमें डेथ रेट कितना है, तो इसके लिए कितना EMI होना चाहिए, 30 to 40 कितना होना चाहिए, यहाँ पे हम मशीन लर्निंग अप्लाई कर सकते हैं. मशीन लर्निंग डेवलपर की जो सैलरी है इट इज़ इन डॉलर, तो मिनिमम अगर आप आउट ऑफ इंडिया या फिर ऑन साइड काम करते हो, आउट ऑफ इंडिया जॉब करते हो, तो आपको 50 lakhs प्लस ही सैलरी मिलेगी जूनियर डेवलपर अगर हो तो, आप जूनियर डेवलपर है तो. उसके बाद ये सैलरी है इन डॉलर्स, ओके. इंडियन में अगर आप कंसिडर करोगे तो इसका हाफ पकड़ लो, मतलब 20 to 25 lakhs पर मंथ पर एनम, ओके. तो इसके लिए आपको नॉलेज क्या होना चाहिए, पाइथन या C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, ओके. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के बारे में नॉलेज होना चाहिए जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, और बैकग्राउंड आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई इशू नहीं है, ओके. सो इट इज़ अबाउट मशीन लर्निंग जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मशीन लर्निंग डेवलपर्स और उसको कितनी सैलरी मिल सकती है. जैसे मैंने बता दिया ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इंटू 3 इतनी सैलरी आपको मिल सकती है. अगर आपके पास 1 year का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 3+ होगी, अगर आपके पास 2 year का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 3 into 2 यानी कि 6+ होगी, 6 lakhs पर एनम प्लस होगी. तो ये है मशीन लर्निंग डेवलपर या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग. तो अभी हमें देखना है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों भी AI के ही पार्ट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है. तो मशीन लर्निंग को हम शैलो लर्निंग भी बोलते हैं और डीप लर्निंग को डीप लर्निंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट कुछ राउंड्स होते हैं. जैसे कि ये इनपुट दे दिया, इसमें फीचर एक्सट्रैक्ट हो गए और क्लासिफिकेशन करके कार और नॉट कार ये आउटपुट आ गया. और डीप लर्निंग में इनपुट दे देंगे हम, उसके बाद फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसमें हम फीड फॉरवर्ड
फीड बैकवर्ड ये भी हम यूज कर सकते हैं, यानी कि क्या मशीन खुद आप अपने आप को ट्रेन कर लेगी। तो ये डिफरेंस है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आर SVM, नियर बायस डिसीजन ट्री, की नियरेस्ट नेबर, रैंडम फॉरेस्ट एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और इसी टाइप आपके डीप लर्निंग के एल्गोरिथम है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, LSTM एंड BSTM। तो ये सारे एल्गोरिथम आप यूज कर सकते हो पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, रिग्रेशन मॉडल के लिए या फिर प्रेडिक्शन के लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब हम डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, डेटा साइंस इन सारे की बात कर रहे थे, इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आपका डीप लर्निंग भी आता है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी आता है, जिसको कंबाइनली क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग। उसके बाद आपका ट्रांसलेशन आता है, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग आता है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन आता है, जिसको हम बोलेंगे NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि जाएगा डेटा माइनिंग के अंदर। ओके, फर्स्ट वन इज मशीन लर्निंग, देन सेकेंड वन डेटा माइनिंग, थर्ड टाइप ऑफ डेटा इज स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच। आपने सीरी पता होगा आपको, या फिर एलेक्सा पता होगा अमेजोन का, या फिर ओके गूगल पता होगा, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही पार्ट है। देन नेक्स्ट इज एक्सपर्ट सिस्टम प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। अभी अगर आप गूगल ओपन करते हो आज के डेट पे, तो आपको ये गूगल बता देगा कि यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, आपको वैक्सीनेशन के लिए बुक करना है क्या। अगर आप यस बोलते हो तो ये आपके लिए वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करके देगा। ओके, सो उसके बाद रोबोटिक्स है एंड फ्यूजन है। फ्यूजन में क्या है, फ्यूजन में इमेज रिकग्निशन एंड मशीन विजन, ये दो पार्ट आते हैं। इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें मशीन लर्निंग आएगा, डेटा साइंस आएगा, डेटा माइनिंग आएगा, देन उसके बाद इमेज प्रोसेसिंग आएगा, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन आएगा, डीप लर्निंग आएगा। हेलो, पढ़ लो सर। हेलो, आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है आपके साथ? यस। कहाँ तक, कब ये क्लोज हुआ था? सो हम अभी देख रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सब पार्ट मशीन लर्निंग है, उसका ही सब पार्ट डीप लर्निंग है। ओके, तो नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आप क्लाउड में जॉब करना, स्क्रीन विजिबल है ना मेरी, प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको? यस, इट इज विजिबल। ओके, सो नेक्स्ट डोमेन है क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में करियर करना चाहते हो, तो आपको क्लाउड इंजीनियर बन सकते हो, अदरवाइज क्लाउड या फिर अजूरे के आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर सकते हो, डे हॉप्स इंजीनियर बन सकते हो और AWS कंसल्टेंट्स भी बन सकते हो। अगर आपको क्लाउड इंजीनियर बनना है, तो आपके पास स्किल होना चाहिए जावा, रेड हैट, लिनक्स, ओरेकल, एसक्यूएल, रूबी, AWS, पाइथन, इतनी सारी लिस्ट ऑफ स्किल होनी चाहिए। अगर आप अजूरे आर्किटेक्चर के ऊपर काम करना चाहते हो, तो आपके पास होना चाहिए नॉलेज AWS का, अजूरे का, डॉकर का, जेकिंग का, सेलेनियम का। ओके, अगर आप डे ऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपको पाइथन आना चाहिए, डिजांगो आना चाहिए, उसके बाद डॉकर आना चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए।
ओके. अगर आप AWS कंसल्टेंट बनना चाहते हो तो आपको आपके पास नॉलेज होना चाहिए AWS IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस PaaS SaaS एंड ASP.NET एंड क्लाउड इंजीनियर बनना है, Azure के ऊपर काम करना है, DevOps के ऊपर काम करना है या फिर AWS के ऊपर काम करना है. देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रीम्स इन द क्लाउड इटसेल्फ. ओके, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा लास्ट कंट्रोलर आ सकते हैं, सेंसर आ सकते हैं, जिसमें अभी टेस्ला की जो कार है ड्राइवरलेस कार, ये भी आ सकती है. जो हम स्पेस में जो ये छोटे मिसाइल्स वगैरह, इसको जो कंट्रोल करते हैं हम इंटरनेट के जरिए, ये भी आ सकता है. एग्रीकल्चर फील्ड पे भी आप काम कर, एग्रीबॉट करके एक रोबोट है, डिफरेंट काइंड ऑफ, आपके पास PIR सेंसर है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर विच आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर फील्ड, तो एग्रीकल्चर में काम कर सकते हो. उसके बाद मेडिकल फील्ड में अगर जॉब करना है तो आपके पास सेंसर अवेलेबल है, जैसे कि पल्स रेट सेंसर, आपके पास हार्ट बीट सेंसर होगा, आपके पास PIR सेंसर होगा, रेटिना स्कैनर होगा, ये सारी चीज़ें आप मेडिकल फील्ड में, अगर आप IoT डेवलपर बनना चाहते हो तो वो कर सकते हो. उसके बाद अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है तो इंडस्ट्री के लिए भी कर सकते हो. तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर ऑल्सो इन IoT फील्ड. IoT में आपने सुना होगा स्मार्ट सिटीज करके, स्मार्ट सिटीज में IoT का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि फायर डिटेक्ट करना है, नोटिफिकेशन सेंड करना है, उसके बाद आपका पानी लीकेज हो रहा है ये डिटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें IoT के अंदर आएगी. ओके, सो डिफरेंट किया है, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा माइनिंग, उसके बाद हमने देखा विशेषज्ञ. सो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो. एक लास्ट स्लाइड बची है, ये होने के बाद हम एंड अप करेंगे. तो एक श्लोक है संस्कृत का, आचार्य चाणक का, स्टूडेंट के लिए जिन्होंने बनाया था, जो श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम. विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब जो कि नॉलेज एक्वायर करना चाहता है, जैसे कि आप है, मैं हूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ नई नई चीजें, तो इनके लिए एक श्लोक है आचार्य चाणक का, जिसमें उन्होंने काक चेष्टा निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह. आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी जो एक कौवा होता है, होता है पॉट के निचले होता है, तो ये क्या करता है, छोटे छोटे कंकर उठे उस पॉट में डालता है ताकि पानी ऊपर आ सके. तो यही है यहाँ पे, अगर आप आपको क्या करना पड़ता है, स्मॉल एफर्ट्स, छोटे 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 एफर्ट्स लेने पड़ेंगे आपको, और उसके बाद आपको आपका जो थ्रस्ट है वो फुलफिल हो जाएगी. अभी यहाँ पे क्या है, नॉलेज की थ्रस्ट है, IT इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, ये थ्रस्ट है आपके, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट से नॉलेज लो, सीनियर से नॉलेज लो, आपके स्टाफ से नॉलेज लो, थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके आप क्या कर सकते हो, आपकी जो नॉलेज की थ्रस्ट है ये बुझा सकते हो. तो इट इज अ काक चेष्टा, जो कि कौवे का एग्जाम्पल दिया है. उसके बाद है बको ध्यानम, बको ध्यानम, जो बगुला है ये क्या करता है, उसके पानी में ये बहुत देर तक खड़ा रहता है, क्यों, इसके आसपास छोटी मछली आती है, छोटी मछली आती है वो इनको क्या करता है, इग्नोर करता है, ये वेट करता है बड़ी मछली के लिए, जब बड़ी मछली आती है तभी ये पकड़ेगा. तो आप एज अ स्टूडेंट, आपके लाइफ में भी छोटी छोटी डिस्टर्ब, लाइक आपका रिलेशनशिप है, आपका हेल्थ इश्यू है, आपका फाइनेंस इश्यू है, आपके फैमिली इशू है, तो लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इनको आपको क्या करना है, इग्नोर करना है. अगर आप इसके ऊपर फोकस करोगे, अगर ये इसका एग्जाम्पल लेंगे हम
बगड़ेगा. तो ये क्या करेगा, अगर इसने छोटी मछली पकड़ ली तो ये बड़ी पकड़ नहीं सकता, जो कि अल्टीमेट एम है आपका, जो हाईएस्ट गोल है, ये आप अचीव नहीं कर सकते अगर आपने इसके ऊपर फोकस किया. आपकी जो नींद है, आपकी रिलेशनशिप है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसको आपको साइड में रखना है जब तक आप आपका लक्ष्य अचीव नहीं करते. ओके, इट इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ स्टूडेंट मस्ट हैव, दैट इज बको ध्यानम. इसके जैसे आपको क्या करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए, इसके जैसे पेशेंस होनी चाहिए आपके एज ए स्टूडेंट. उसके बाद है श्वान निद्रा. श्वान निद्रा यानी कि स्लीप लाइक अ डॉग. जैसे आपको पता होगा, डॉग अगर घर पे हम रखते हैं, कितने भी चुप चुप के अगर आते हैं, थोड़ा भी आवाज आता, इसके जैसे आपकी स्लीप होनी चाहिए. यहाँ पे आप स्लीप क्या है कि आपको अगर थोड़ा भी नॉलेज कहीं से भी मिल जाता है तो आप क्या करना चाहिए, आपको नॉलेज एक्वायर करना चाहिए. यू मस्ट बी एगर, यू मस्ट बी अवेकन फॉर नॉलेज. जहाँ कहीं से भी नॉलेज मिलता है आपको, आपको वो ग्रास्प करने को आना चाहिए. फोर्थ वन इज अल्पहारी. अल्पहारी, अल्पहारी मतलब अभी यहाँ पे अल्पहारी मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू योर फूड ओनली. आहार मतलब आपके जो आपके ऊपर जो साउंड मतलब क्या डिस्कस होता है, कैसा म्यूजिक सुनते हो आप, क्या खाते हो, कैसे वीडियो देखते हो, कैसे मूवीज देखते हो, ये भी एक आहार है, इट इज टाइप ऑफ आहार. तो ये भी आपको स्टूडेंट लाइफ में फोकस करना है. यू मस्ट बी अल्पाहारी. आप जो भी खा रहे हो इसका आपके मन पे, शरीर पे असर होने वाला है. जो भी खा रहे हो उसको आपको देख के ही खाना चाहिए. एंड फिफ्थ वन इज अ गृहत्यागी. गृहत्यागी, यहाँ पे गृहत्यागी, जैसे एंशियंट इंडिया में क्या होता था, गुरुकुल सिस्टम थी, एजुकेशन सिस्टम, लेकिन अभी नहीं है. यहाँ पे गृहत्यागी मीन्स क्या है कि आपका जो कंफर्ट जोन है ये आपको छोड़ना पड़ेगा. किसी का कंफर्ट जोन है कि आप सुबह उठ नहीं सकते, किसी का कंफर्ट जोन हो सकता है मैं रूम पे नहीं रह सकता, मुझे घर पे ही चाहिए. तो ये कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना चाहिए. इट इज़ नथिंग बट अ गृहत्यागी. तो दीज आर द फाइव मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स और जो है ये होने चाहिए आपकी इसमें एज ए स्टूडेंट. आपकी लाइफ में आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो. आपका अल्टीमेट एम जो होगा ये आप अचीव कर सकते हो. ओके, सो लास्टली थैंक यू सो मच, आपने मुझे आपका ये टाइम दिया. अगर आप किसी को भी कुछ भी डाउट है, वी आर ऑफरिंग इंटर्नशिप फॉर स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड आईटी इंजीनियरिंग. अगर उसके बारे में कुछ आपको इंक्वायरी करनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ओके, सो अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो हम क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड डिस्कस करेंगे. उसके बाद मैं एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ आपको, जो अभी यस मैम. Anybody has any queries? तो इंटर्नशिप है, ये पेड इंटर्नशिप है या फ्री? इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल. अगर आपके पास स्किल सेट है तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा. अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आपको फ्री में इंटर्नशिप यानी कि जॉब करना पड़ेगा. एटलीस्ट कुछ तो नॉलेज होना चाहिए आपके पास. इट डिपेंड्स करता है कि अगर आप डायरेक्टली कुछ प्रोग्रामिंग में हेल्प करते हो कंपनी के लिए तो कंपनी आपको स्टाइपेंड देगी, अदरवाइज आपको फ्री में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी. ओके सर, थैंक यू. चलो अगर क्वेश्चंस है तो पूछो, अदरवाइज मैं एक आपका हमारा जो कंपनी में प्रोजेक्ट चल रहा है ब्लाइंड पर्सन के लिए ये दिखा देता हूँ आपको. अभी आपने देखा होगा कि ब्लाइंड पर्सन के लिए क्या होता है, ब्लाइंड स्टिक है जो कि सेंसर है जिसके ऊपर ऑब्स्टेकल दिखा रहा है. अभी हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ब्लाइंड पर्सन के लिए, जिसको इनडोर या आउटडोर कोई भी चीज़ अगर ढूंढनी है, फॉर एग्जाम्पल उसको मोबाइल गुम हो गया इसका उसका, या फिर उसको लैपटॉप चाहिए, या फिर उसको पानी की बॉटल चाहिए,
तो ये क्या कर सकता है, सिस्टम को बता सकता है, इंटेलिजेंट मतलब आपकी जो एआई बेस्ड सिस्टम है इसको ये बता सकता है कि मुझे पानी की बोतल ढूंढ के दे दो कहाँ पे है। तो ये रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ये टॉपिक है जो हम बना रहे हैं हमारे जो ब्लाइंड पर्सन है या फिर विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए। मैं डेमो देखा था वो आपको। इज माई स्क्रीन इज विजिबल? यस। ओके आई एम शेयरिंग माई विंडो। अगेन ओके आर यू एबल टू सी पाइथन कोड? यस ओके। तो ये प्रोग्राम बनाया है हमने। ये प्रोग्राम क्या करता है, जो भी इसके सामने आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, फोटो कैप्चर हुआ है? नो सर, वी कैन सी द कोड ओनली। ओके एक्चुअली शेयर करना होता है, ये फुल स्क्रीन शेयर करने के लिए ऑप्शन नहीं है इसलिए। ओके आप दिखाई देगा अभी, एक फोटो दिख रहा है आपको? यस ओके। ये प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं ब्लाइंड पर्सन के लिए, जो कि क्या करेगा, रियल टाइम फोटो कैप्चर करेगा, जिसमें हम रास्पबेरी पाई का यूज कर रहे हैं। रास्पबेरी पाई एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओटी प्लस एआई दोनों का यूज करेंगे, लैंग्वेज पाइथन होगी, और इसका यूज करके ब्लाइंड पर्सन को जो भी चीज ढूंढनी है ये ढूंढ सकता है। इसको हम वॉइस इनपुट देंगे सिस्टम को, मान लो उसको लैपटॉप सर्च करना है तो ये क्या कहेगा, प्लीज फाइंड लैपटॉप फॉर मी, और जैसे लैपटॉप डिटेक्ट हो जाएगा तो ये बता देगा कि लैपटॉप डिटेक्टेड, और लैपटॉप और ब्लाइंड पर्सन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी हम अप्रोक्सीमेटली बताने वाले हैं, जिसमें हम यूज करेंगे सेंसर का जो है अल्ट्रासोनिक सेंसर, जो कि डिस्टेंस बताएगा हमें कि जो लैपटॉप या फिर सेलफोन डिटेक्ट हो रहा है ये कितने डिस्टेंस पे है अंदाजन। ओके सो इतने बहुत सारे इंटरेस्टेड प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी कंपनी में, अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैं इंफॉर्मेशन मैम के साथ शेयर करूंगा, और अगर कोई डाउट है आपके पास तो आप पूछ सकते हो। प्रेजेंटेशन हो गया अपना, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके थैंक यू सो मच मिस्टर Pramod Nimbore on behalf of AISSMS Institute of Information Technology and entire fraternity for this wonderful session. I would like to extend my special thanks to our HOD Dr. S.V. Limkar sir and Dr. P.V. Mane sir for their constant support and guidance. Last but not least, I would like to thank all the audiences for their active participation in this event. Feedback forms for this session will be shared in the chat box. Please check and do fill. Shall I leave the meeting? Yes, sir, you can leave. Okay. Thank you so much. Thank you, student.